राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए भंडारे वाली सब्ज़ी। अब आपको भंडारे का वेट नहीं करना पड़ेगा, घर पर ही आप आसानी से कुकर में बना सकते हो। तो उसके लिए मैंने 4-5 सब्ज़ियाँ यहाँ पर ले ली है, मैं आपको मेंशन कर दूँगी इनके नाम। और आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कद्दू और आलू आप ज़रूर लें, क्योंकि जो भंडारे की सब्ज़ी होती है उसमें मेन कद्दू और आलू ज़रूर होता है। और यहाँ पर कुछ पुदीने के पत्ते भी मैंने ले लिए और एक खड़े मसाले ले लिए हैं। इन मसालों को मैं मिर्ची और अदरक के साथ पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर गर्म होने को रख दिया है और ये देखिए मैंने पीस लिया है मिर्ची और मसालों का पेस्ट और अदरक। उसके बाद में हम जीरा चटकने के लिए इसके अंदर डाल देंगे और फिर डालेंगे हम सौंफ और राई और इसको भी हम अच्छे से चटका लेंगे। उसके बाद में ये जो मसाला पीस कर रखा था ये हम इसमें डाल देंगे। और जो सूखे मसाले मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं वो सारे सूखे मसाले आपको इसके अंदर ऐड करने हैं। ये देखिए ये सारे सूखे मसाले इसमें हमको ऐड करने के बाद टमाटर डालने हो, टमाटर को हमें थोड़ा सा गलने तक पकाना है और फिर गरम मसाला डाल देना है और अमचूर पाउडर डाल देना है 1 चम्मच भर कर। और बस इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे, धीमी आंच पर आपको पकाना है। उसके बाद में आप ये सारी सब्जियां डाल दें, धोकर अच्छे से सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऊपर से हम डाल देंगे अच्छे कलर के लिए। और चाट मसाला भी मैंने यहाँ पर डाला है ऊपर से और पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। और उसके बाद में मैं अच्छे से इसे चला लूँगी। और उसके बाद ये देखिए कसूरी मेथी है, इस कसूरी मेथी को आपको थोड़ा सा क्रश कर लेना है हाथों से और बस इसके अंदर डाल देना है। और इसे आप थोड़ा सा शुगर इसमें ऐड कर सकते हो या क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद में पका लेना है हमको, 1 से 2 सीटी इसमें लगा लेनी है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसको ढक्कन खोल कर थोड़ी देर हमको पकाना है जिससे इसका जो मॉइस्चर आ चुका है ना सब्ज़ी में तो वो हमको कम करना है इसमें। तो इसके लिए हम इसे ढक्कन खोल कर थोड़ी देर पकाएंगे। और ये देखिए रेडी हो चुकी है हमारी भंडारे वाली सब्ज़ी। और जब आप इसको खाएंगे तो स्वाद में टेस्ट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और धनिए की गार्निशिंग यहाँ पर मैंने कर दी है और बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनकर रेडी है। आप जब इसे खाएंगे तो आप भंडारे का ही बिल्कुल टेस्ट पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सारे सीक्रेट चीज़ें डाली हैं वो बिल्कुल वही हैं जो भंडारे वाले भैया डालते हैं, क्योंकि मैंने पहले उनसे सब कुछ सीखा है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको इस सब्ज़ी को बनाना बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ये सब्ज़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी कोई मेहमान मेरे घर आता है तो मैं इस सब्ज़ी को ट्राई ज़रूर करती हूँ और उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप भी घर पर बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो, कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा समय ये लेती है पकने के लिए, लेकिन आपको जल्दी है तो आप कुकर में बना सकते हो। राधे।